सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एस्पिरेंट्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में। एक परम्यूटेशन के बारे में मैं डेफिनेशन पहले एक वीडियो में डाल चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। यहां पर हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक परम्यूटेशन ले रहे हैं। सपोज करते हैं एफ इज ए परम्यूटेशन ऑन द सेट एस। एस एक सेट ले रहे हैं जिसमें मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 एलिमेंट्स हैं और इससे एक परम्यूटेशन बना रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सपोज कीजिए 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 4 है और 5 का इमेज 1 है और 6 का इमेज 6 है। ये एक परम्यूटेशन लिए हुए हैं सेट एस में। आप इस परम्यूटेशन में देखिए कि इस परम्यूटेशन को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। हम लोग इसको एक रो में लिखते हैं और ऐसा लिखेंगे कि जो एलिमेंट यहाँ लिख रहे हैं उसके बाद उसका इमेज आ गया। जैसे 1 का इमेज 2 है तो 1 के बाद हम लोग 2 लिखेंगे और फिर 2 का इमेज 3 है तो 2 के बाद 3 लिखेंगे, फिर 3 का इमेज 5 है तो 3 के बाद 5 लिखेंगे और 5 का इमेज 1 है तो जो लास्ट वाला है उसका इमेज यहाँ पर है, लास्ट का इमेज फर्स्ट में है और बाकी जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं जैसे 4 नहीं लिखे हैं तो 4 का इमेज खुद 4 है, 6 नहीं लिखे हैं तो 6 का इमेज खुद 6 है। तो हम लोग इस परम्यूटेशन को ऐसे इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इमेज उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा, उसके उसका इमेज उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा, फिर इसका इमेज उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा और जो लास्ट होता है लास्ट का इमेज फर्स्ट वाला होगा। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज कर लिए और जो यहाँ पर जिसका एलिमेंट खुद वही है अपने, जैसे 4 का इमेज 4 ही है, 6 का इमेज 6 ही है तो उसको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो अगर इस तरीके से हम लोग परम्यूटेशन को अरेंज करते हैं तो ऐसे परम्यूटेशन को ही हम लोग कहते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परम्यूटेशन। तो आप साइक्लिक परम्यूटेशन का डेफिनेशन देखिए कि सपोज एफ इज ए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन। एफ कोई परम्यूटेशन है डिग्री एन का, सपोज कर लेते हैं जैसे ये जो परम्यूटेशन था वो 6th डिग्री का था और यहाँ पर हम लोग 6th डिग्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना होता है सेट एस में वही डिग्री कहलाता है परम्यूटेशन का। तो सपोज कीजिए एफ कोई परम्यूटेशन है डिग्री एन का और सेट एस में डिफाइंड हो रहा है, सेट एस में एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। लेट इट बी पॉसिबल टू अरेंज एन एलिमेंट्स। अब इस एस में एन एलिमेंट्स है और उसमें से कुछ एलिमेंट को हम लोग ऐसा अरेंज करते हैं ताकि सेट एस का एम एलिमेंट को ऐसा अरेंज करते हैं इन ए रो, एक रो में अरेंज करते हैं सच ए वे दैट एफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द रो इज द एलिमेंट विच फॉलोज इट। प्रत्येक रो का प्रत्येक एलिमेंट जो है उसका इमेज उसके नेक्स्ट वाला होगा, इस तरीके से अरेंज करते हैं। द एथ इमेज ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट और इस रो का लास्ट एलिमेंट जो है उसका इमेज फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा। एंड द रिमेनिंग एन माइनस एम एलिमेंट्स, जैसे इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स था तो 6 में से 4 एलिमेंट्स को हम लोग इस रो में अरेंज किए हैं और जो बाकी 2 एलिमेंट बचा वो अनचेंज है। तो यहाँ पर उसी के बारे में लिखा हुआ है कि एम टोटल एलिमेंट था सेट एस में, एन एलिमेंट था उसमें से हम लोग एम एलिमेंट को अरेंज किए, एम एलिमेंट को एक रो में अरेंज किए और ऐसा अरेंज किए कि रो का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट है और लास्ट वाला एलिमेंट का इमेज फर्स्ट है और बाकी जो रिमेनिंग एन माइनस एम एलिमेंट्स बच रहा है ऑफ द सेट एस आर लेफ्ट अनचेंज्ड, उसका चेंजिंग नहीं है, उसका इमेज खुद वही अपने हैं बाय एफ।
then F is called a cyclic permutation or a cycle of length M. तो वैसे permutation को हम लोग cyclic permutation कहेंगे या फिर cycle कहेंगे, cycle of length M. जैसे ये एक cyclic permutation हो गया of, या इसको आप कह सकते हैं cycle भी कह सकते हैं, तो cycle of length 4, ये length 4 का cycle हो गया. This is ये cyclic permutation. और ये साइकिल ऑफ लेंथ 4. एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं. सपोज करते हैं सेट S में 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इसमें इसका एक परमुटेशन लेते हैं. सपोज करते हैं F से डिनोट करते हैं परमुटेशन को. तो परमुटेशन में एक रो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका इमेज यहां पर लिखते हैं. सपोज करते हैं 1 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 7 है और 7 का इमेज 1 है और बाकी जो है 2 का इमेज खुद 2 है, 3 का 3 है, 6 का 6 है, 8 का 8 है और 9 का 9 है. सपोज करते हैं दिस इज ए परमुटेशन डिफाइंड ऑन द सेट S और ये परमुटेशन का डिग्री क्या हो गया, ये 9 डिग्री का परमुटेशन है. जितना सेट में S में एलिमेंट है वही परमुटेशन का डिग्री हो गया. तो इस परमुटेशन का डिग्री 9 है. अब आप देखिए इसको एक रो में अरेंज कर सकते हैं क्या, और ऐसा अरेंज करना है कि कोई भी एलिमेंट का इमेज उसका नेक्स्ट एलिमेंट हो. जैसे 1 का इमेज 5 है तो पहले 1 लिखिए, फिर उसका इमेज 5 लिख जाते हैं, फिर 5 का इमेज 4 है तो 5 के बाद 4 लिख जाएंगे, फिर 4 का इमेज 7 है तो 4 के बाद हम लोग 7 लिख जाते हैं, और फिर 7 का इमेज 1 है तो 7 का इमेज जो फर्स्ट है वो है. तो इसको हम लोग एक रो में अरेंज कर दिए और इस रो में कोई भी एलिमेंट का इमेज उसका नेक्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट वाला है उसका इमेज फर्स्ट एलिमेंट है और जो नहीं लिखा हुआ है उसका इमेज खुद वही एलिमेंट है. जैसे 2 का 2 है, 2 यहां पर नहीं लिखा हुआ था, 3 का इमेज 3 है, 3 नहीं लिखा हुआ था, 6 का इमेज 6 है, 8 का 8 है, 9 का 9 है, तो वो सब एलिमेंट यहां पर नहीं लिखा हुआ था, उसका इमेज खुद वही है. इसको हम लोग एक रो में ऐसा अरेंज कर लिए कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज नेक्स्ट वाला एलिमेंट है और लास्ट का इमेज फर्स्ट एलिमेंट है. अगर किसी परमुटेशंस को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. जैसे ये साइक्लिक परमुटेशन, इस परमुटेशंस का भी लेंथ जो है वो साइक्लिक परमुटेशंस का लेंथ 4 है. यहां पर 4 एलिमेंट्स है तो इसमें जितना एलिमेंट होगा यहां पर वही उसका लेंथ हो गया. तो दिस इज ए साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल ऑफ लेंथ 4. तो ये साइक्लिक परमुटेशन हो गया. अब हम लोग साइक्लिक परमुटेशन के बारे में और कुछ चीजों को देखते हैं. चलिए आइए देखते हैं उसको. अब हम लोग ये देखते हैं कि परमुटेशंस रिप्रेजेंटेड बाय ए साइकिल. अगर साइकिल दिया हुआ है तो वहां से परमुटेशन आप कैसे लिखिए. अभी परमुटेशन दिया हुआ था तो अगर साइक्लिक परमुटेशन था तो उसको हम लोग साइकिल कैसे लिखे थे वो देखें. अगर साइकिल दिया हुआ है तो परमुटेशन कैसे लिखेंगे इसके बारे में समझ. सपोज कीजिए 1 3 4 2 6 इज ए साइकिल ऑफ लेंथ 5. इसमें 5 एलिमेंट्स है तो दिस इज ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 5. सपोज इट रिप्रेजेंट्स ए परमुटेशन ऑफ डिग्री 9. सपोज कीजिए ये डिग्री 9 का परमुटेशन है और वो इस सेट में डिफाइंड है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर के 9 तक. तो ये परमुटेशन कैसे लिखेंगे, ये कौन सा परमुटेशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो आप देखिए क्या करना है. सबसे पहले आप जो 9 एलिमेंट्स है उसको फर्स्ट रो में लिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. अब इमेज आप लिखिए कि 1 का इमेज 3 होगा तो 1 के नीचे 3 लिख जाइए, 3 का इमेज 4 होगा तो 3 के नीचे 4 लिख जाइए, 4 का इमेज 2 होगा तो 4 के नीचे 2, 2 का इमेज 6 होगा तो 2 के नीचे 6 और फिर 6 का इमेज हो जाएगा 1,
लास्ट का इमेज जो होता है वो फर्स्ट वाला होता है, तो 6 का इमेज 1, और जो बाकी यहाँ पर छूट रहा है तो उसका इमेज खुद वही होगा, जैसे 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। तो ये जो साइक्लिक परमुटेशन था वो इस परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर साइक्लिक परमुटेशन को हम लोग को पूरा लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हुआ कि अगर कोई साइक्लिक परमुटेशन दिया हुआ है तो उसको पूरे परमुटेशन को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशंस क्या होता है फ्रेंड्स? ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ये ट्रांसपोजिशंस। एक साइकिल बनाइए जिसका लेंथ 2 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशंस। अभी हम लोग ट्रांसपोजिशन साइक्लिक परमुटेशन देख चुके हैं, 4 लेंथ, 5 लेंथ वगैरह का। तो ऐसा साइकिल बनाना है जिसका लेंथ 2 हो, उसी को ट्रांसपोजिशंस कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए s एक सेट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है इसमें, इसमें से कोई परमुटेशन डिफाइंड हुआ है। अगर कोई परमुटेशन ऐसा है 1 3, ये एक साइक्लिक परमुटेशन ले रहे हैं, इसका लेंथ 2 है, यहाँ 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक परमुटेशन का लेंथ 2 है। ऐसे ही साइक्लिक परमुटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशंस। अगर आपको इसको पूरा परमुटेशंस लिखना है तो कैसे लिखिएगा? ये सेट S में डिफाइंड हो रहा है, 1 2 3 4 5 लिख जाइए। अब क्या करना है? 1 का इमेज 3 होगा तो 1 के नीचे 3 लिखिए, फिर लास्ट का इमेज फर्स्ट होता है तो 3 का इमेज हो जाएगा 1, और बाकी जो नहीं यहाँ लिखा हुआ है उसका इमेज खुद वही होगा, जैसे 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5। तो ये परमुटेशंस है और इसको साइक्लिक परमुटेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये साइक्लिक परमुटेशंस का लेंथ 2 है, तो इसीलिए ऐसे परमुटेशंस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपोजिशंस। ये क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन हो गया, ट्रांसपोजिशन। अब दूसरा एग्जांपल लेके मान लीजिए यही सेट है, इसी सेट में एक दूसरा परमुटेशन ले रहे हैं साइक्लिक परमुटेशन लेंथ 2 का, मान लीजिए 2 5, ये लिए हुए हैं। तो ये लिए हुए हैं तो ये क्या बता रहा है? ये भी एक ट्रांसपोजिशन हो गया, ये एक साइक्लिक परमुटेशन हो गया जिसका लेंथ 2 है, 2 का इमेज 5 होगा, 5 का इमेज 2 होगा, एक दूसरे का एक 2 का इमेज 5, 5 का 2, यानी एक दूसरे का इमेज है। अगर पूरा लिखना है तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज ए परमुटेशंस ऑफ लेंथ, साइक्लिक परमुटेशंस ऑफ लेंथ 2, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो परमुटेशन लिखे हैं 2 5, अगर आप इसको 5 2 भी लिखिएगा तो भी एक ही चीज है, 2 5 लिखिए या 5 2 लिखिए, दोनों एक ही चीज है। क्यों? आप जरा इसको समझिए। पहले इसको हम लोग कंप्लीट परमुटेशंस लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 2 का इमेज 5 तो 2 के नीचे 5 लिख जाइए, 5 का इमेज 2, 5 के नीचे 2 लिख जाइए, 1 का 1, 3 का 3, 4 का 4। अगर हम लोग 5 2 लिखें तो 5 2 कौन सा परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप 1 2 3 4 5 लिख जाइए, आप 5 का इमेज 2 लिखिए, 5 का 2 और 2 का फिर 5, लास्ट का फर्स्ट होता है तो 2 का 5, और बाकी जो है वो अनचेंज रहेगा। आप ये मैच कीजिए दोनों से, ये और ये, 1 का 1 यहाँ भी 1 का 1, 2 का 5, 2 का 5, 3 का 3, 3 का 3, 4 का 4, 4 का 4, 5 का 2, 5 का 2, तो ये दोनों परमुटेशन सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 5 लिखें या 5 2 लिखें, ये दोनों साइक्लिक परमुटेशन इक्वल है। यानी कि अगर ऑर्डर को हम लोग चेंज कर दें, यानी कि 2 5 के बदले हम लोग 5 2 लिख देते हैं, तो ये दोनों ट्रांसपोजिशन सेम है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सपोज कीजिए 1 3 5 है, तो आप इसको एक साइकिल में अगर रोटेट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम होगा। अगर हम 1 3 5 ना लिख करके 3 5 1 लिखें तो ये दोनों साइक्लिक परमुटेशन सेम है, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में इसको चेंज करना है। जैसे ये 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, आप इसको 1 3 5 था, 1 3 5 इधर से रोटेट कर रहा था, आप इसको 1 3 5 ना लिख करके ऐसा लिख दीजिए, 3 5 1 लिख दीजिए, या फिर आप 5 1 3 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 3 1 भी लिख सकते हैं।
तो ये जो तीन परम्यूटेशंस हैं, ये तीनों क्या होगा, साइक्लिक परम्यूटेशंस इक्वल होगा, सेम परम्यूटेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करते हैं एलिमेंट को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम लोग ट्रांसपोजिशन देखें और फिर हम लोग देखें कि साइक्लिक परम्यूटेशंस में अगर इसको साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज कर दें एलिमेंट को, साइक्लिक ऑर्डर में अगर चेंज करते हैं तो साइक्लिक परम्यूटेशंस जो होता है वो सेम होता है। अब आप देखिए डिसजॉइंट साइकल्स क्या है। दो साइकिल को डिसजॉइंट कब कहेंगे? टू साइकल्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो सिंबल इन कॉमन। दो साइकिल अगर लेते हैं जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो वैसे साइकिल को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल। जैसे सपोज कीजिए इस एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इसमें मान लीजिए हम लोग दो परम्यूटेशन डिवाइड करते हैं, दो साइक्लिक परम्यूटेशन ले रहे हैं, एक 2, 5, 7 है और एक दूसरा परम्यूटेशन है 3, 4, 8, 9। ये दो साइक्लिक परम्यूटेशन है, मींस 2 का इमेज 5 है, 5 का 7 है और 7 का 2 है और बाकी जो रेस्ट बच रहा है वो अनचेंज्ड है। फिर यहाँ पर भी 3 का इमेज 4 है, 4 का 8 है, 8 का 9 है और 9 का 3 है और बाकी जो बच रहा है इसमें अनचेंज्ड है। तो आप ये दोनों साइक्लिक परम्यूटेशन को देखिए, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। 2 यहाँ पर है तो 2 इसमें नहीं है, 5 यहाँ तो 5 इसमें नहीं है, 7 यहाँ तो इसमें नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे दोनों परम्यूटेशन को हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशन को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट साइकिल कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक परम्यूटेशन में हम लोग यहाँ पर साइक्लिक परम्यूटेशन में 2 रख दें, तो 2 दोनों में है, इस साइक्लिक परम्यूटेशन में भी है, इस साइक्लिक परम्यूटेशन में भी है, तो ऐसे साइक्लिक परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, जैसे अब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, डिसजॉइंट साइकिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में और साइक्लिक परम्यूटेशन और उससे कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम वगैरह को डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।